दी कबूलियत वास्ते भी मिल के बावाज़े बुलंद सलवात इस जशन दी कबूलियत वास्ते भी मिल के बावाज़े बुलंद सलवात नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत बाबा से बुलंद सलवात لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على الرسول المسدد والولي المرشد والنبي المهذب والصفي المقرب والوجه الأنور والخد الأزهر والنسب الأشهر والحسب الأطهر والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري صلوات میں تہاڈا مہمان ہاں تے تساں میرے میزبان ہو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مہمان دا کچھ حق ہوندے مہربانی فرماؤ یہ جا خالی پیے دو دو قدم اٹھی کے امام زمانہ دے ناں تے کھڑے ہو جاؤ سارے جی مولا دے ناں تے کھڑے ہو کے ایک جگہ سانی بنا لو بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ بسم اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا جو ہے جناب جی ایک سلوات پڑھو بابا جی بلند سارا پھر بھی ایک سلوات پڑھو سارے حضرات بابا ایک اور سلوات پڑھو سارے حضرات مل کے پھر
फिर भी सलवात पढ़ो बाबा जुबलन सारे मौले कैनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला फरमेंदन कान अल्लाह वलम यकुन माहू शैउन अल्लाह था और कोई चीज न थी। तवज्जो फरमाओ, फरमेंदन अल्लाह था और कोई चीज न थी। अदम दा सन्नाटा हा, अल्लाह ने अदम दे सन्नाटे नूं तोड़ के नूरे मुस्तफा नूं खलक जी। मेरे दोस्तों आज एक नहीं दो सादक हैं दुनिया ते हैं जी। एक कोई कुलखानी दी महफिल नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल आज सिर्फ तुसन ते मैं खुश नहीं, आज जमीन खुश है, आज आसमान खुश है, आज हूरां खुश हैं, आज मलाइका खुश हैं, आज जबराइल खुश है, आज मेरा रब खुश है। ते दुआ मंगदा जड़ा आज खुश नहीं अल्लाह करे कदे खुश थी वही ना जी। एक सलवात पढ़ो बाबा जबलन सारा जात मिलके मोहम्मद जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, तवज्जो। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है मेरे पास। अदम दा सनाटा हा, अल्लाह ने अदम दे सनाटे नु तोड़ के नूरे मुस्तफा नु खल्क फरमाया। नूरे मुस्तफा नु खल्क करके अल्लाह ने पहला खिताब किया, या नूर हबीबी व सफवती। ओ मेरे हबीब द नूर, ओ मेरे मुस्तफा द नूर। दो लफ्ज अगले एडे कीमती हैं अरबी चैन, लेकिन हर बंदा समझ सी ये दो लफ्ज नहीं, दो मार्फत समंदर हैं जी। खिताब करके अल्लाह ने नूर मुस्तफा नु खिताब करके फरमाया, अंतल मुरीद व अंतल मुराद। मेरा मुरीद भी तू है, मेरी मुराद भी तू है। अल्लाह अकबर, जी बिस्मिल्लाह। मेरा मुरीद भी तू है, मेरा मुराद भी तू है। मेरे दोस्तों इत्थे एक हदीस है, ये हदीसां दे नाम होंदे ने। ए मन कुन तो मौला हो फाज अली मौला, ये हदीस का नाम है हदीस विलायत। इन्नी तारे कुन फी कुमत सकलैन, इन्हें नाम है हदीस सकलैन। एक हदीस कुदसी है जिसका नाम है हदीस लौलाक। तवज्जो फरमाओ, हदीस लौलाक। इंदे हिस्से त्रय है, मेरे कुल किताब मौजूद है। आम तौर ते एक हिस्सा पढ़े वेंदे, अगर इजाजत दे तो मैं त्रय चो पढ़ा जी। है इजाजत सारे दी? एक सलवात पढ़ो ना, मैं त्रय हिस्से सुनावा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला हदीस लौलाक। तवज्जो मेरे पास है, हदीस लौलाक। पहला हिस्सा हर मिलाद ते पढ़े वेंदे। अल्लाह फरमाए, मेरा हबीब लौलाका लमा खलकतुल अफलाक, तू न होंदा मैं कायनात ना बनावा। जी मेरा हबीब, तू न होंदा मैं कायनात ना बनावा। ये पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा पहले बंदे को लेके आखिरी तक
पहला हिस्सा मेरा हबीब तू ना होंदा कायनात ना बनावा, दूसरा हिस्सा लौला अली लमा खलकतो का, अली ना होंदा मैं तैकू ना बनावा या अली जी लौला अली लमा खलकतो का। तीजा हिस्सा सुनो ते दिलां नू ठंडक मिले जी, अखी नू सुकून मिले, दिल बेचैनी है तो चैन च बदल जावे जी। तीसरा हिस्सा पहले दो हिस्से दोबारा तो रहना मेरा हबीब लौला का लमा खलक तो लफलाक, तू ना हो या कायनात ना बनावा हा, लौला अली लमा खलक तो का, अली ना होंदा तैकू ना बनावा हा। तीजा हिस्सा लौला फातिमा ता जी लमा जनाब दी जी लो ला फातिमा ता लमा खलक तो कुमा जी। मेरे दोस्तों ए फिर पैगंबर अकरम दी हदीस शिया सुनी कुतुब विच मौजूद, पैगंबर फरमाते ने या अली अंता व अना मिन नूरन वाहिद, अली तू तो मैं एक नूर है जो है। पता नहीं आज 1400 साल बाद मौलवी नू एक हो क्या गया है जेड़ा आधे साले जिया बशा रहा जी, जेड़ा आधे साले जिया बशा रहा जी। कुरान दी दलील देने आधे कुरान च पैगंबर फरमाए आना बशरों मिस लोकम। चलो गल जेने च आ गई है वत मिला सुन दे बैठे हो जी। आदम जी कुरान च पैगंबर फरमाया मैं तुम जैसा बशर हूँ भाई, फरमाए पैगंबर मैं तुम जैसा हूं, ये तो नहीं फरमाया तुम भी मुझ जैसे हो। भरी कायनात में एक अली है, फरमाया मैं तुम जैसा हूं तुम मुझ जैसे हो। जी अल्लाह ने नूर मुस्तफा नु खल्क फरमाया, फिर पैगंबर फरमाने या अली अंत व अना मिन नूरन वाहिद, तू तो मैं एक नूर चू है। फिर अल्लाह ने नूर इस जनाब सैयद ज़हरा नु खल्क फरमाया, फिर नूर इमाम हसन मुश्तबा नु खल्क फरमाया, फिर नूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नु खल्क फरमाया। किताब का नाम है फ़राइदुस समतैन, अहले सुन्नत दे लिखी किताब मेरे मोबाइल पीडीएफ विच मौजूद है, रिवायत आने में मैं आप पढ़ी है। एक ये लिखता है इन्ना अनवार दी खिलकतों 4 लख साल बाद अल्लाह ने पानी ते मट्टी मिला के आदम दा जिस्म बनाया। जना आदम दा जिस्म बनाया, जिस्म दे अंदर रूह फूकी, जना रूह आ गई आदम देखण दे काबिल हो गया, सुनण दे काबिल हो गया, समझण दे काबिल हो गया, आदम को एक भोल पै गया। भोल समझदे हो, बोले का क्या दे हो? आदम को एक भोल पै गया। क्या बोल आदम को भोल पै गया? शायद मैं अव्वल मखलूक हूं। थके बंदे दा मैं जामिन नहीं, आदम को भोल पै गया जो मैं अव्वल मखलूक हाँ। फखरिया अंदाज च आदम आके मेरा अल्लाह इतना ते दसा हल खलक ता मिन कबली आहदन मिन तीन, क्या मेरे तो पहले भी की मट्टी तो मखलूक बनाई? अल्लाह फरमाने आदम तेरे तो पहले मखलूक जरूर बनाई है, मट्टी तो नहीं बनाई, अपनी अजमत दे नूर तो बनाई है। मरहबा ये अल्लाह फरमाते मखलूक बनाई है लेकिन मट्टी तू अपनी अजमत दे नूर तो बनाई है। तेरा आदम को पता लगा जो मेरे तो पहले भी एक मखलूक है। आदम आखे मिला मेरा अल्लाह ज़ियारत ते करा, अल्लाह फरमाया मैंने अर्श दे सज्जे पासे देख, आदम निगाह की रा खमसत अनवार, क्या डिटा एक नहीं पांच नूर है। रुक अन व सुजदा, कई वेले रुकू करें देन, कई वेले सजदा करें देन, कई वेले रब दी तस्बी करें देन। फरैद समतैन और बहुत सारिया किताब वाले ने लिखे फरिश्तिया का ये जुमला तारीख दे सफा ते फरिश्तिया ने सानू तस्बी ते तालील ते इबादत दा ढांगी ना पंज अनवार ने सिखाए। जी आदम डिठा अल्लाह फरमाया देख ए पांच नूर, हालत क्या है? रुक का अनवा सुजदा। उलमाए कराम तशरीफ फरमा
ਉਹ ਆਲਮ ਆਲਮ ਅਨਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਮ ਇਹ ਆਲਮ ਆਲਮ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਇਸਤਲਾਹ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਵਣ, ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਤੇ ਰਕੂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਲਮ ਅਨਵਾਰ ਉੱਥਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਿਬ, ਉੱਥਾਂ ਰਕੂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਵਾਜਿਬ, ਇੱਥਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਆਲਮ ਅਨਵਾਰ ਚ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਥਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਕੂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਜਿੱਥਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥਾਂ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਮਰਹਬਾ ਆਦਮ ਡਿਠਾ ਰਾ ਖਮਸਤ ਅਨਵਾਰ, ਪੰਜ ਨੂਰ ਹਨ, ਰੁਕਾਨ ਵ ਸੁਜਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਰਕੂ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਜਦਾ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਮ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਤੇ ਕਰਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਖੋ ਤੋ ਕਸੀਦਾ ਤੋ ਕੋ ਮੈਂ ਚ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ, ਵਤ ਨਾ ਆਖੇ ਜੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਜੇ ਕਸੀਦੇ ਅੱਲਾ ਸੱਡੋ। ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਰਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਨ, ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਸੀਰ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈ, ਕਸੀਦਾ ਖਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਮਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮਜਬੂਰੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਬਗੈਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਤਰਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤਰਜ਼ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕਰਨੀ ਪਊ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਜਦੇ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰੇਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਾਣਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ ਪਊ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਵੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਚੱਪੜੋ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਆਦਮ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਦਮ ਆ ਤੇ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਹੈਨ ਕੁਨ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਲਾਓ ਲਾ ਹੁਮ ਲਮਾ ਖਲਕ ਤੁਲ ਅਰਜ਼ਾ ਵਲਾ ਸਮਾ ਵਲਾ ਲਾਓ ਵਲਾ ਕਲਮ ਵਲਾ ਅਰਸ਼ ਵਲਾ ਫਰਸ਼ ਵਲਾ ਕੁਰਸੀ ਵਲਾ ਨਾਰਾ ਵਲਾ ਜੰਨਤ। ਆਦਮ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜ ਨੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਨਾ ਵਿਛਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਆਦਮ ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਬਣਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਨਾ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇ ਲਾਓ ਲਾ ਹੁਮ ਲਮਾ ਖਲਕ ਤੋ ਕਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਕੂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੈਕੂ ਖਲਕ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਦਮ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵੇਂ ਚ ਮੁਸ਼ਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਅਨਲ ਮਹਿਮੂਦ ਵਹਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਮ ਚ ਮੁਸ਼ਤਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਮੁਹੰਮਦ।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। आओ जरा देखने उलमा तशरीफ फरमा, महमूद भी इसमें मफूल है, मोहम्मद भी इसमें मफूल है, महमूद सुलासी मुजर्रद है, मोहम्मद सुलासी मजीद फी है, सुलासी मुजर्रद को सुलासी मजीद है फी घिन वो तक नवा माना आ वेंदे। मैं मेरे ख्याल सादा ही मैं समझा सकता माने च तब्दीली आवे कि महमूद अल्लाह फरमाते मेरा नाम महमूद ए नूर मोहम्मद महमूद द माना जिसकी तारीफ की जाए मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। अल्लाह अकबर महमूद जिसकी तारीफ की जाए मोहम्मद बोलो जिसकी। चलो शिया सुनी बैठे हो मैं सवाल करना कायनात सब तो ज्यादा तारीफ कहती है शिया सुनी नमाज पढ़ते ना पहली आयत अलहमदु लिल्लाहि रब्बिल अलहमदु ते अलिफ लाम जिन्स दे तमाम हमद अल्लाह वास्ते है जड़ा आलमीन दा सब तो ज्यादा तारीफ कहती अल्लाह दी। मेरा अल्लाह तारीफ तो तेरी ज्यादा है तेना ना हो मोहम्मद तवज्जो फरमाओ भाई मेरा अल्लाह तारीफ तेरी ज्यादा है तेरा नाम होवे मोहम्मद ई नूर दा नाम होवे महमूद तारीफ तेरी ज्यादा है। अल्लाह फरमाते तुहानू जो मकाम मुस्तफा समझ नहीं आया पहले बंदे तो लेके आखिरी बंदे तक तवज्जो लफ्ज मेरा जाए ना होवे मेरा अल्लाह तेरा नाम होवे मोहम्मद इस नूर का नाम होवे महमूद तारीफ तेरी ज्यादा है। अल्लाह फरमाए तुहानू मकाम मुस्तफा समझनिया क्या फर्क है महमूद ते मोहम्मद सारी कायनात मिलके जेंदी तारीफ करे उनको महमूद आ देन जेंदी महमूद तारीफ करे उनको मोहम्मद आ देन। बहुत शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह फरमाने अनल महमूद व हादा मुहम्मद मेरा नाम महमूद है इन्हें नाम रखे मुहम्मद। दूसरे नूर दे तारुफ दूसरा नूर समझ गए हो ना उस दे तारुफ त्रै रिवायत हैं किबला लफ्ज जुदा जुदा है लफ्ज इलैद इलैद हैं ये लफ्ज जरा जहन च रखना लुत्फ आएगा। दूसरे नूर दे तारुफ पहली रिवायत अल्लाह फरमाते अनल आला वहादा अली 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 हो ही नहीं जी। अल्लाह फरमाते अनल आला वहादा मेरा नाम है आला विचु नाम मुश्तक करके रखे मली ये पहली रिवायत। दूसरी रिवायत अल्लाह फरमाते अनल आली वहादा अली लफ्ज तब्दील हो गया ना पहले क्या लफ्ज आला हूँ क्या लफ्ज है अल्लाह फरमाते अनल आली वहादा अली। तीसरी वायत अल्लाह फरमाते आना अली वहादा अली मैं भी अली आए भी अली है अल्लाह फरमाते मैं भी अली हाँ ए भी अली है मैं दोबारा प्याद अल्लाह फरमाते मैं भी अली हाँ ए भी अली है लेकिन फर्क इतना है मैं खालिक अली ए मखलूक अली मैं साने अली ए मसनू अली मैं मालिक अली ए ममलूक अली मैं महबूद अली ए आबिद अली। अल्लाह अकबर बहुत शुक्रिया अल्लाह तुहानू सलामत रखे। तीसरे नूर दा तारुफ अल्लाह फरमाते अनल फातिर व हाज़ी फातिमा फरमाते मेरा नाम फातिर विच मुश्तक करके नाम रखे फातिमा। चौथे नूर दा तारुफ अल्लाह फरमाते अनल मोहसिन व हाज़ल हसन जी मेरा नाम मोहसिन है विच नाम मुश्तक करके रखे हसन। पंजवें नूर दा तारुफ अल्लाह फरमाते अना कदीम उल एहसान मेरा नाम है एहसान विच मुश्तक करके नाम रखे हुसैन। और याद रखना इस्म बा मुसम्मन औखी गल नहीं इस्म बा मुसम्मन। चलो जिन्हें को समझ नहीं आई साढ़े वड़े ने प्यो मां साढ़े नाम रखे ना है ना हो सकते नाम होर होवे बाद किरदार हो सकता है ना
चलो मैं अपनी मिसाल लेना, तुसा माशाल्लाह सारे नेक बैठे हो, प्यो मां ना रखे इमदाद तो कहीं नो डर बड़े के भी राजी ना हो, तवज्जो है हम नाम हो रे किरदार इना मतलब इसम बा मुसम्मा नहीं भी गल समझ आई है ना, इसम बा मुसम्मा मुमकिन है सारे जो कहीं ना हो आबिद को बैठे तो नाराज रहो मेरे को नहीं पता जी मैं मिसाल नाम आबिद है तो मस्जिद नेड़े वेंदे ही कोनी मोबाइल ते भी झूठ, बीवी बच्चे नाल भी झूठ, दोस्तों नाल भी झूठ, नाम सही ना मतलब एक नाम हो रे किरदार। शुक्र कर अल्लाह ने जेड़े सानू राबर अता फरमाया, शिया सुनी बैठे हो भरी कायनात च, भरी कायनात च बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह ने 14 हस्तियां ऐसियां सानू अता फरमाईन जेड़ियां इस्म वा मुसम्मन जो उन्हां दा नाम है उन्हां दा किरदार है, अगर इन्हां चो किसे दा नाम सादिक है, सिर्फ नाम सादिक नहीं, नाम भी सादिक है, किरदार भी सादिक है। या अली नाम भी सादिक है, किरदार भी सादिक है। ये पहली हस्ती जिन्होंने आज जश्न एक सलवात पढ़ो बावाज बुलंद सारे आजाद, तो जो नाम भी सादिक किरदार भी पाक पैगंबर जिन्होंने मिलाद मना रहे हो, आपने ऐलान नबूवत 40 साल बाद कीते, नबी हन ऐलान नबूवत सारा कीते, नबी नबी होंदे चाहे मां दी गोद दी जीनत ही इवें ना, नबी नबी होंदे, इमाम इमाम होंदे, इमाम बनाया नहीं वेंदा जी, नबी बनाया नहीं वेंदा जी, मैं गल कर छोड़ा, नबी बनाया नहीं वेंदा, नबी चुनाव दा नाम नहीं, नबी तुहाडे ते मेरे चुनाव दा नाम नहीं, तुहाडे ते मेरे चुनाव दे नाल के तो जो मेरे पास रहे कहीं नू नबूवत नहीं मिलती, अल्लाह दी सिलेक्शन दा नाम है नबूवत, तवज्जो मेरे पास रहे, अल्लाह दी सिलेक्शन दा नाम है नबूवत, क्यों जेनू असा चुनने उनके खिलाफ अदम एतमाद हो सकता है, अद्धे समझे तो अद्धे ना समझे, और जेनू असा बने अदम एतमाद हो सकते ना, कोई साड़ी हुकूमत जी है ही कौन जिंदे खिलाफ अदम एतमाद, जरा ये अदम एतमाद माना तो समझो लुत्फ आ जाएगा, अदम एतमाद का माना है तहरीक जी वजीर आजम के खिलाफ होंगी है, इनका मतलब होंगे बंदे आधे पे होंगे असा ही कुछ सादिक ते अमीन समझिया, हा कोई ना भी अदम एतमाद का मतलब है ना भी साड़ी निगाह च सादिक भी हा अमीन भी हा, लेकिन बाद च पता लगे ना सादिक है ना अमीन है, सादिक भी नहीं अमीन भी नहीं, जेनू बंदा बनावे जेनू असा चुनिए उनके खिलाफ अदम एतमाद हो सकता है, आ जरा जेनू अल्लाह सिलेक्शन जिंदी करे उनके खिलाफ अदम एतमाद कर, तेरा ईमान रावण ही कोई नहीं जी, अल्लाह दे चुनाव ते अदम एतमाद, हुण पैगंबर सादिक भी हैं ते अमीन भी हैं ना, खुद सादिक हैं उन्होंने कूड़े पसंद हो सन जी, खुद हैं सादिक ते अल्लाह भी सानू फरमाए कूनू मा सादिकीन, सच्चे नाल हो जाओ, सच्चे नाल सच्चे हो जाओ या कूड़े हो जाओ, जो फरमाओ भाई फरमाने सादिक जिन असा जेड़ा नबी ऐलान नबूवत बाद चे अमीन भी पहले मनवाए सादिक भी पहले मनवाए, वो सादिक हैं वो एक नहीं सारे सादिक हैं, आओ जरा तुसा तो मैं सवेरे तो गिन के शाम तक वेखी असा कि बड़े सादिक हैं, जेड़े दुकानदार बैठे हो तुसा दसो दफ्तर च बैठ जेड़े काम करेंदे हो
8 घंटे ड्यूटी है। चुप कर गए हो जी। सरकारी तौर पे 8 आ गए सिस्तानी दा फतवा है। जिस बंदे दी 8 घंटे ड्यूटी है, अगर 5 मिनट भी ओ ड्यूटी कम देवे उनी तनख्वाह गिनना जायज नहीं। कितने जूनियर सीनियर नाल झूठ बोले ने, कितना सीनियर जूनियर नाल झूठ। पैगंबर सादिक हैं, दूसरे पैगंबर अमीन हैं। तवज्जो, पैगंबर अमीन हैं, अमानतदार हैं। मुशरिकीन मक्का दा जुमला तारीख दे सफहात ते मौजूद है। ओ आदियन असा इस नु नहीं मनेंदे, ना इंदी नबूवत को मनेंदे, ना इंदे कुरान को मनेंदे, ना इंदे खुदा को मनेंदे। लेकिन हे कोई एडा वड्डा अमीन अमानत रखनी होवे तो रख दे मुहम्मद कोले। असा केड़े अमीन है? जेड़ा बंदा बेटी का हक खा जाए वो अमीन है? जेड़ा बंदा बिरा दी जायदाद ते नाजायज कब्जा करे वो अमीन है? जेड़ा बंदा सिफारिश पैसे ला के ते प्लाट ते नाजायज कब्जा करे वो अमीन है? आओ जरा देखो, पैगंबर सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। आज रात सोचना जरूर, जैना मिलाद बैठे बने ने वो सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। मैं कितना बड़ा सादिक हूँ, मैं कितना बड़ा अमीन। मेरे घर तो पता लग सी मैं सादिक कितना, मैं अमीन कितना। जी मैं कितना अमानतदार हाँ। अमानत एक होंगी माल दी, एक होंगी नामूस दी। फरमाया ये भी अमानत है, अगर ते को कहीं मोमिन का ऐब पता लगे उनका ऐब छुपा। फरमाया उन्दे ऐब दी पर्दा पोशी कर, वो तेरे को अमानत है। अगर ते चौक ते बह के कहीं नसिया जो फलाने चाहे बे इवें समझे तो खियानतकार है। जेड़ा बंदा दूजे ते ऐब, अल्लाह फरमाने मेरी गल खत्म, गुफ्तगू तमाम, अल्लाह तुनु सलामत रखे। अल्लाह फरमाने ओ बंदा दूजे ते ऐब बयान करन तो पहले सोच सही तेरे अंदर कितने ऐब हैं। अल्लाह फरमाने अगर तेरे ऐब मैं लोगों जाहिर चकर रहा हूँ, कहीं मुंह दिखावन दे काबिल भी ना हो से। अल्लाह फरमाने बंदा दो सिफात मेरिया तू अपने अंदर पैदा कर। आज मिलाद दा सबक ने अल्लाह फरमाने मेरी सिफात अपने अंदर पैदा कर। केड़िया? अल्लाह फरमाने मैं सत्तार हाँ, तू भी सत्तार बन जा। मैं गफ्फार हाँ, तू भी गफ्फार बन जा। कोई मोमिन मुसलमान गलती करके तेरे बूहे ते टुर आवे, माफी मंगे, अल्लाह फरमाने को माफ करें, देर न करें। कहीं ना ऐब पता लगे उन्हें ऐब दी पर्दा पोशी करें। अल्लाह सानू सादिकैन दी सीरत नसीब फरमावे, अल्लाह सानू जश्न नसीब फरमावे, ऐसी खुशियां नसीब फरमावे जिन्होंने इस ते तमाम कीते। जिस जिस दा भी जानी अखलाकी माली तामन है, खुदा उन्होंने जिंदगी दराज फरमावे। दुआवां दी कबूलियत वास्ते बाबा दे बुलंद सलावात।